हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं डियर स्टूडेंट आप लोग। डियर स्टूडेंट, आज आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर एक डेमो क्लास दी जा रही है। वो सीआरपीसी की क्लास है और ये आप लोगों के लिए डेमो के फॉर्म में दी जा रही है। जो आप लोग बराबर पूछते हैं कि सर हमें एक डेमो क्लास चाहिए, हमें ट्रायल क्लास चाहिए, उसमें आप लोग को सीआरपीसी की आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आप लोग को डेमो क्लास दी जा रही है। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहिएगा तो आपको वो पूरी क्लास मिलेगी। आप उसको एक एक करके देखेंगे और आपके साथ परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन ला क्लासेस के ढेर सारे स्टूडेंट भी उस क्लास को देख रहे हैं। ये स्टूडेंट आइए, भरत बिहारी श्रीवास्तव लॉ एक्सपर्ट्स परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। ये स्टूडेंट आप लोग को बताना चाहते हैं कि बहुत ही जल्दी आप लोग के लिए 3 स्टेट की एपीओ की वैकेंसी आ रही है। एक तो आप लोग के लिए बिहार एपीओ की वैकेंसी आएगी, दूसरा उत्तराखंड स्टेट की वैकेंसी आएगी और तीसरा यूपी स्टेट की आएगी। और देखिए, तीनों स्टेट की जो वैकेंसी है वो सफिशियंट वैकेंसी है आप लोग के लिए। सबसे अच्छी बात यह है कि उस वैकेंसी में सारे पेपर लगभग लगभग कॉमन है। उसके बारे में भी आपको आज डिटेल में हम बताते हैं। जिन स्टूडेंटों ने अभी तक परीक्षा रेफरेंस यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करें। देखिए, एक बार आप परीक्षा रिफ्रेशर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जितने भी लीगल इवेंट्स हैं वो सब आपको इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट बताए जाते हैं। इस चैनल पर आप लोगों को ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का कोई भी केस लॉ होता है वो एनालाइज किया जाता है, कोई वैकेंसी आती है वो आपको बताया जाता है, इसके साथ साथ कोई भी पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनता है वो आपको बताया जाता है, एग्जामिनेशन की डेट की जानकारी मिलती है सर को तो आपको बताया जाता है, कोई भी एडवर्टीजमेंट आता है वो सबसे पहले आप देखते होंगे परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल पर आप लोग को दे दिया जाता है। तो इतने खूबियों के साथ ये आप लोग का चैनल है और आप ही लोग के प्यार से, आप लोग के लगन से, आप लोग के मोहब्बत से ये चैनल 17,000 सब्सक्राइबर की सीमा को क्रॉस करके अब आगे बढ़ रहा है और आप ही लोग का सहयोग चाहिए ताकि हम चाहते एक भी लाख का स्टूडेंट ऐसा ना हो जो छूटने पाए इस चैनल से, और उस चैनल से जरूर जुड़े। आप लोग भी अपने फ्रेंड्स को, परिचितों को, स्टूडेंटों को जरूर बता दें। हम चाहते हैं कि हर स्टूडेंट लॉ का इस चैनल से जरूर जुड़ जाए ताकि उसको घर बैठे सारी सुविधा मिलती रहे। देखिए डियर स्टूडेंट, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस की ओर से आप लोगों को 3 चीज़ें मिलती हैं। एक तो आप लोगों को लाइव क्लास मिलती है, जो लाइव क्लास होती है गूगल मीट पे चलती है, वो क्लास आप लोग को लाइव क्लास के रूप में भी मिलती है, फिर उसका रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है, पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिलते हैं और आप लोग को उसी में टेस्ट सीरीज भी ली जाती है प्री का और मेंस का डिग्लॉट फॉर्म में, हिंदी वाले हिंदी, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। दूसरी सुविधा आप लोग को मिलती है टेस्ट सीरीज की, जो स्टूडेंट क्लास नहीं कर पाते उनके लिए टेस्ट सीरीज होती है, चाहे वो हायर जुडिशियल की हो, सिविल जज की हो, एपीओ की हो। जैसे 2 स्टेट के इस समय हायर जुडिशियल की वैकेंसी आई हुई है, बिहार की और यूपी की, इसकी टेस्ट सीरीज आप लोग के लिए स्टार्ट हो गई है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा ये है कि तीसरा, पहला तो क्लास हो गया, दूसरा टेस्ट सीरीज हो गया और तीसरा आप लोग के लिए हो गया कि जो पब्लिकेशन से आप लोगों के लिए लॉ के नोट्स पब्लिश होते हैं। तो देखिए, तीनों चीज़ों के लिए आपको दो ये व्हाट्सएप नंबर है, इसी का सहारा लेना है। ये व्हाट्सएप नंबर सर का दिया गया है, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस का है। आपको कोई भी मैटर मंगाना है जिस एड्रेस पर, आप अपना पूरा कंप्लीट पोस्टल एड्रेस पिन कोड के साथ देंगे। अगर आपको क्लास करना है तो इस पे आधार कार्ड भेजेंगे, फेस साइड बैक साइड। अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो भी आप आधार कार्ड भेजेंगे, फेस साइड बैक साइड। देखिए, जो आप लोग की एक जनरल स्टडीज़ की प्रॉब्लम होती है कि सर जनरल स्टडीज़ कैसे पढ़ो, कोई कहता है ये पढ़ लो, कोई कहता है वो पढ़ लो, इस समस्या को दूर करने के लिए आप लोगों को 6 मालों में जनरल स्टडीज़ तैयार हो गई है। जो सुपर स्पेशलिस्ट लोगों ने, जो प्रयागराज के सुपर स्पेशलिस्ट लोग होते हैं उनके जो निगरानी में ये बनाया गया है। इसमें आपको 6 मालूम हिंदी में पूरा कंप्लीट जनरल स्टडीज़ और 6 मालूम में इंग्लिश वाले स्टूडेंटों के लिए जनरल स्टडीज़ अवेलेबल है। इसके साथ साथ जो आईपीसी सीआरपीसी यूडेंस है इसका प्री और मेंस दोनों का आप लोग के लिए नोट्स अवेलेबल है, दोनों डिग्लॉट फॉर्म में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। देखिए डियर स्टूडेंट, आप लोग अच्छी तरह से जान लीजिए, अभी 2024 के 31 दिसंबर 2024 तक आप लोगों के लिए आईपीसी सीआरपीसी यूडीसी पढ़नी है, क्योंकि अभी जो नया वाला कानून बना है जिसको हम लोग भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
या भारतीय साक्षरता नियम कहते हैं वो भी प्रवर्तित नहीं हुआ है। उसको 31 दिसंबर 2024 तक के लिए रोका गया है। इसके बाद जब प्रवर्तित होगी तो आप लोग नया कानून पढ़िएगा। हाँ, नया कानून आप लेके मंगा के जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि इंटरव्यू आपका जो भी पड़ेगा वो नए कानून से पूछा जाएगा। वो नया कानून भी आप लोग के लिए आ गया है, आईपीसी के जगह पर भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा और इंडियन यूडियल सेट के जगह भारतीय साक्षरता नियम। इसके साथ साथ इंटरनेशनल लॉ पर, टीपीए पर, जुरिस्प्रूडेंस पर और तीन स्टेट के एपीओ, जो अभी हमने आपको बताया कि बिहार, यूपी और उत्तराखंड का है, आप लोग के लिए वैकेंसी आने वाली है। इसकी गाइड और पुलिस रेगुलेशन, पुलिस एक्ट, ये सब आप लोग के लिए पब्लिश हो गया है। पांच स्टेट का आप लोगों के लिए सिविल जज की गाइड है, यूपी, उत्तराखंड, एमपी, बिहार, राजस्थान। और ये स्टूडेंट आपको बताना चाहते हैं कि जो दो स्टेट का हायर जुडिशियल है, बिहार का और यूपी का, दोनों की आप लोग के लिए टेक्स्ट बुक लीगल नोट्स के रूप में रेडी है। इंडियन कॉन्टेंट एक्ट, भारतीय संविधान अधिनियम पर आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा, हिंदू लॉ का, मुस्लिम लॉ का, यही व्हाट्सएप नंबर पर। तो देखो डियर स्टूडेंट, ये तो सर के जो द्वारा जो सुविधा आप लोग के लिए दी जाती है बहुत ही मिनिमाइज फॉर्म में दिया जाता है। देखिए परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस की जो फीस है वो हम ये तो ज़रूर कह सकते हैं कि जितने भी क्लासेस सबसे कम रखी गई है, इतनी कम फीस रखी गई है ताकि हर स्टूडेंट आसानी से दे सके। क्योंकि सर ने देखा है कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं वो फीस बहुत ज़्यादा लेते हैं और ना उनके पास कोई टीचर है, ना उनके पास कोई पढ़ाने वाला, कोई एडुकेटर्स है। वो कुछ टाइम के लिए टीचर को हायर करते हैं, टीचर से टर्म्स एंड कंडीशन उनकी ब्रेक हुई, टीचर वापस। अब उन बच्चों का क्या होगा जिन बच्चों ने उस टीचर के नाम पर लिया था। इसीलिए सर ने ये निर्णय लिया है कि 2024 में हम अपने स्टूडेंटों को मिनिमम से मिनिमम फीस में जुडिशियल क्लास करवाएंगे, हायर जुडिशियल की क्लास करवाएंगे और एपीओ कराएंगे। आप इसका फायदा उठाइए, सर आपके साथ है। चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग आज का वीडियो देखते हैं जो सीआरपीसी का है, प्ली बार्गेनिंग से है, प्ली बार्गेनिंग में कैसे होती है और इसके साथ साथ ट्रायल कोर्ट को इंक्वायरी करते समय और ट्रायल चलाते समय किन किन प्रिंसिपल को ध्यान में रखना पड़ता है, उन टॉपिक पर जो चैप्टर नंबर 24 है सीआरपीसी का। चलिए वीडियो देखते हैं। प्ली बार्गेनिंग क्या होती है। चार भी कैमरा ऑन रखो, आपको बोला गया था ना, कृपया आप ही ऑन रखिए। Yes, देखो प्ली बार्गेनिंग क्या होता है, पहले ध्यान से समझिए। गुड इवनिंग, चलिए ध्यान से सुनिए। देखिए प्ली बार्गेनिंग सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। प्ली बार्गेनिंग को लीगल लैंग्वेज में कहते हैं अभिवाक सौदेबाजी। देखिए जो 1973 में सीआरपीसी बनी थी उसमें प्ली बार्गेनिंग कुछ नहीं था, उसमें प्ली बार्गेनिंग का कोई प्रोविजन नहीं था, ठीक है। प्ली बार्गेनिंग को बाद में जोड़ा गया सीआरपीसी में, और जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसको, इसको अलग तरह से वहाँ पे रखा गया है, जो अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी। देखिए जो प्ली बार्गेनिंग होती है ये हम लोग डेली के रूटीन में भी करते हैं, और जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं मोल तोल करना, मोल भाव करना, ठीक है। जब हम लोग मार्केट में जाते हैं तो जिन चीज़ों के प्राइस फिक्स नहीं होते तो वो हम लोग क्या करते हैं, कुछ उसमें कम कराने की कोशिश करते हैं, बाकी जो चीज़ फिक्स होती है उसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो जो हम लोग मार्केट में सामान के दाम को कम कराते हैं और दुकानदार ने जो बोला उसमें कुछ कम किया, फिर हमने कुछ कहा, ये जो आपस में बोल मोल तोल होता है इसको हम लोग करते कि नहीं करते। यस सर। सब्जेक्ट लेने आप लोग जाते हैं, ठीक है ना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो देखो जो हम लोग डेली रूटीन में करते हैं उसी चीज को लॉ में ला दिया गया, कानून में ला दिया गया। कैसे लाया गया कानून में? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। देखिए जब हमारे क्या केसेस का बहुत भीड़ हो गई, क्रिमिनल केसेस की भीड़ तो आज भी है, लेकिन इस पर एक सुझाव लाया गया था। तो ये हुआ कि जैसे इंडिया में जितने केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जैसे आज वर्तमान में कितने केसेस पेंडिंग हैं, आइडिया है आप लोग को? पूरे इंडिया में 7 से 8 लाख केस पेंडिंग है। 8 लाख
जी डैड ईयर कहाँ का है आपका डाटा? इंडिया में 5 करोड़। 5 करोड़ के ऊपर केस पेंडिंग है, ध्यान रखिएगा, 5 करोड़ के ऊपर केस पेंडिंग है, इतने केस पेंडिंग है। तो अगर आप अगर देखें तो जो हम लोग 150 करोड़ के आसपास है, हर 30 व्यक्ति में से एक व्यक्ति मुकदमे में उलझा हुआ है। और जजेस की संख्या, सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हैं टोटल? 34। 34। और हाई कोर्ट कितने हैं टोटल इंडिया में, भारत में कितने हाई कोर्ट? 25 हाई कोर्ट है। और अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की पेंडेंसी देखो तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जहाँ भी आप जिस भी जिले में आप रहते हैं वहाँ पे जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मजिस्ट्रेट या जजेस हैं उनके संख्या है, बहुत होगी अगर बड़ा शहर होगा तो 40 से 50, इससे ज़्यादा है। और केसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केसेस, अगर मान लीजिए कि कोर्ट के द्वारा आज 10 केस को फाइनल डिस्पोजल किया गया, 100 केस आ जाते हैं नए, चाहे वो क्रिमिनल के चाहे सिविल के। तो इस बारे में 2005 के आसपास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सोचा कि क्या किया जाए इसके बारे में। तो उसने जो है लॉ कमीशन, जो विधि आयोग होता है जो निरंतर काम करता है लॉ कमीशन, उसको ये बोला कि क्या जो अमेरिकन सिस्टम है, अमेरिका का जो क्रिमिनल लॉ है जिसमें कि ये प्ली बार्गेनिंग वहाँ पर है, तो लॉ कमीशन से कहा कि आप ये बताइए क्या इस पे इंडिया में भी अमेरिकन सिस्टम को हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। तो लॉ कमीशन ने अपनी 154वीं रिपोर्ट, 154 रिपोर्ट में ये बोला कि इंडिया में भी प्ली बार्गेनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई इस पर गवर्नमेंट ने कमीशन बना दिया, वो कमीशन का नाम था जस्टिस मलिमत कमेटी। जस्टिस मलिमत कमेटी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज साहब थे, उनके निगरानी में एक कमेटी बनाई गई और ये कहा गया कि इंडिया में प्ली बार्गेनिंग कैसे दिया जाए। तो जो कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दिया उस रिकमेंडेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया और उसी समय हम लोग के सीआरपीसी में अमेंडमेंट हो रहा था 2006 में, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2006। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उस जो जस्टिस मलिमत कमेटी की रिपोर्ट थी उसको उन्होंने सीआरपीसी की अमेंडमेंट पे रख दिया। सर अमेंडमेंट एक्ट 2005 है ना? क्या चीज? 6 2005 जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट था वो 2006 में इसको फाइनल किया गया है। 2005 का भी अमेंडमेंट है, 2006 का भी अमेंडमेंट है सीआरपीसी का। तो जो इसमें चैप्टर जोड़ा गया, 21A, सेक्शन जोड़ी गई 265A से 265L, 265A से 265L में टोटल 12 सेक्शन है, 12, और प्ली बार्गेनिंग को सीआरपीसी में जोड़ दिया गया। अब देखिए जो प्ली बार्गेनिंग को सीआरपीसी में जोड़ा गया ये प्रोविजन क्या कहता है, देखिए जब प्ली बार्गेनिंग नहीं जब तक जोड़ा गया था तब तक सीआरपीसी में जो प्ली बार्गेनिंग जैसे प्रोविज़न को मिलता जुलता प्रोविज़न था वो था सेक्शन 320, जिसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड बिल ऑफेंस, नॉन कंपाउंड बिल ऑफेंस। कंपाउंड बिल को जिसको कहते हैं शमनीय अपराध, कंपाउंड बिल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिसमें पार्टीज आपस में समझौता करके केस को वापस ले सकते हैं, लेकिन वो होता है 2 साल तक के नीचे का, ठीक। और जब वापस ले लेते हैं तो उसको एक्यूज पर्सन को एक्यूटल कर दिया जाता है, दोष मुक्त। दोनों पार्टीज आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं कि मुझे आगे मुकदमा नहीं लड़ना है बिलो 2 ईयर्स के लिए
और कोर्ट में अप्लीकेशन दे देते हैं, कोर्ट अलाउ कर देता है और वो केस खत्म हो जाता है। बट जो 2 साल के ऊपर के मैटर होते थे उनको बोलते थे नॉन कंपाउंड बिल, अशमनीय अपराध। तो अशमनीय अपराध होता था उसमें चाह कर भी हम लोग समझौता नहीं कर सकते थे। उसी कमी को दूर करने के लिए प्ली बार्गेनिंग लाई गई। जो प्ली बार्गेनिंग होती है वो 2 साल के ऊपर से लेके 7 साल के नीचे के बीच में। प्ली बार्गेनिंग कभी भी 7 साल के ऊपर के मामलों में नहीं होगी। जो प्ली बार्गेनिंग का मैक्सिमम लिमिटेशन है वो मैक्सिमम लिमिटेशन कितना है? 7 साल बिलो 7 ईयर। अब प्ली बार्गेनिंग होगी कैसे? ये तो प्ली बार्गेनिंग का सारा मेन मेन फीचर था, सेक्शन थी, कमेटी का नाम था। देखो तो जैसे ट्रायल स्टार्ट होगा तो प्ली बार्गेनिंग की शुरुआत करेगा एक्यूज्ड पर्सन, अभियुक्त व्यक्ति। वो कोर्ट से एक रिक्वेस्ट करेगा अप्लीकेशन के थ्रू कि मुझे प्ली बार्गेनिंग की परमिशन दे दीजिए थ्रू एडवोकेट। शर्त क्या है? ट्रायल स्टार्ट हो चुका हो और जो मैटर है, जो केस है, वो 7 ईयर के बिलो का हो। ठीक है, तो एक्यूज पर्सन अपने काउंसिल के थ्रू कोर्ट में अप्लीकेशन दे सकता है कि परमिशन दे दीजिए प्ली बार्गेनिंग के लिए। देखो वैसे तो ये डिस्क्रिशनरी पावर है, मैंडेटरी नहीं है कि कोर्ट दे ही दे। ठीक है, लेकिन अगर कंडीशन फुलफिल होती है तो कोर्ट अलाउ कर देती है कि ठीक है आप प्ली बार्गेनिंग कर लीजिए। किससे कर लीजिए? विक्टिम से, पीडी से, जिसको के क्रिमिनल केस में कहते हैं प्रोसिक्यूशन, अभियोजन से। आप देखिए कोर्ट अगर परमिशन दे दी है तो एक्यूज पर्सन और विक्टिम पर्सन ये दोनों आपस में एक एग्रीमेंट करेंगे, एक समझौता करेंगे। अब वो समझौता चाहे एक्यूज पर्सन विक्टिम को पैसा दे दे कि भाई हम कंपनसेट कर रहे हैं, या कोई एपोलॉजी लेटर वगैरह दे दे, माफीनामा, या जिस भी पॉइंट पर ध्यान रखिएगा वो तैयार हो जाए। कौन? विक्टिम। अगर तैयार हो गया तो ध्यान रखिएगा म्यूचुअल एप्लीकेशन पड़ेगी अब दोनों की ओर से, संयुक्त एप्लीकेशन कोर्ट में। अब एप्लीकेशन पड़ेगी कि हम लोगों के बीच में अभिभाग सौदेबाजी हो गई है, प्ली बार्गेनिंग हो गई है। तो कोर्ट क्या करेगा? उनकी एप्लीकेशन को अलाउ कर देगा। ठीक है, आप लोग आपस में प्ली बार्गेनिंग कर लिए, आगे मुकदमा नहीं लड़ना चाहते तो ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि कोर्ट ने अगर एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया तो आगे कोर्ट क्या करेगा? क्या एक्यूज को कन्विक्ट करेगा, क्या एक्विटल करेगा, क्या डिस्चार्ज करेगा? एक्विटल किया जाएगा ना, एक्विटल किया जाएगा। तो खूब झगड़ा करो, खूब लड़ाई करो, समझौता करो, इक्विटल हो रोजाना सुबह शाम। नहीं सर, पनिश्ड किया जाएगा, पनिश किया जाएगा, पनिशमेंट से 1/4 कम कर देंगे, बस वो सजा आप कर देंगे, वो ट्रायल चलेगा। अच्छा, और कौन बताएगा? चलिए नए लोग बताइए, क्या पढ़ाया गया आप लोग को? अब आगे क्या होगा? सर ट्रायल चलेगा, ट्रायल चलेगा। पहले तो आप ये जो ट्रायल आल कुछ नहीं बंद होगा, ये ध्यान रखो कब कब ट्रायल बंद होता है, कब कब ट्रायल नहीं बंद होता। ट्रायल बंद होता है केवल कन्फेशन के मैटर पर, संस्वीकृति के मैटर पर। अगर एक्यूज पर्सन ओपन कोर्ट में कोर्ट के सामने कन्फेशन कर लेता है, अपने ऊपर लगे ऑफेंस को एक्सेप्ट कर लेता है तो ट्रायल बंद हो जाएगा। ठीक, या अगर कंपाउंड बिल ऑफेंस है बिलो 2 ईयर्स का है और कंपाउंड बिल ऑफेंस की अप्लीकेशन आ जाती है, ट्रायल बंद हो जाएगा। प्ली बार्गेनिंग में ट्रायल नहीं बंद होगा, एक तो ये क्लियर कर लेना, ट्रायल चलेगा। ट्रायल चलने के बाद अगर वो एक्यूज पर्सन कन्विक्टेड होगा, न्यायालय की निगाह में वो कन्विक्टेड हो गया, तो उसका कन्विक्शन कितना होगा? अगर कोर्ट उसको कन्विक्ट करती है, सजा देती है ट्रायल के बाद, तो कितनी सजा देगा?
आधा देगा उस अपराध के। बोलिए, पढ़ाए तो गया सब लोग को पुराना, गरिमा सर वन थर्ड देगा सर, वन बाई फोर, वन फोर्थ कम करेगा। देखो प्ली बार्गेनिंग में क्या होता है कि जो कन्विक्शन होता है उसको वन बाई थर्ड रिड्यूस कर दिया जाता है और कोर्ट को टू बाई थर्ड में से जितना मिनिमाइज देना हो वो दे सकता है। जैसे मान लो चोरी है, चोरी में पनिशमेंट कितना है? 3 इयर्स, 3 साल का मतलब 36 महीने, 36 मंथ। तो अगर प्ली बार्गेनिंग हो गई है तो 9 महीने तो आप पहले घटा दो, ठीक। अब बचा कितना? 27, ठीक। अब जो कोर्ट है वो मैक्सिमम 27 मंथ और मिनिमम 1 मंथ 15 दिन कुछ भी दे सकता है। तो प्ली बार्गेनिंग के बाद केवल कन्विक्शन का जो पनिशमेंट होता है वो रिड्यूस हो जाता है, रहेगा कन्विक्शन, रहेगा कन्विक्शन। अब आप लोग से पूछा जाए कि डिस्चार्ज में और प्ली बार्गेनिंग में क्या अंतर है, एक्विटल में प्ली बार्गेनिंग में क्या अंतर है, या फुल कन्विक्शन में प्ली बार्गेनिंग में क्या अंतर है, ये 3 चीज आपसे पूछा जाएगा। तो पहले तो देखो, अगर एक्विटल है, एक्विटल का मतलब होता है उस एक्यूज पर्सन को उस ऑफेंस से क्या कर दिया गया, फ्री कर दिया गया, जिसको हमने आप लोगों को बताया था बाइज्जत बरी। डिस्चार्ज का क्या मतलब होता है, उस एक्यूज पर्सन को जितना अभी कोर्ट के सामने एविडेंस आया है, चार्जशीट के फॉर्म में आया है, अभी एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट प्राइम एफएसआई नहीं बन रहा, बट एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट अगर फर्दर कोई चार्जशीट आती है, जिसको हमने नाम आप लोगों को बोला है सप्लीमेंट्री चार्जशीट या एडिशनल चार्जशीट, तो वही एक्यूज पर्सन को फिर से बुलाया जा सकता है, ठीक है। अब आता है कन्विक्शन में और प्ली बार्गेनिंग में। कन्विक्शन में जो ट्रायल कोर्ट होता है, जो आप लोग सेक्शन में पनिशमेंट पढ़ते हैं, जैसे चोरी का आप लोग पढ़ते हैं 3 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट, तो कोर्ट जो है, कोर्ट के पास जो रेंज होता है वो मैक्सिमम 3 इयर्स का होता है, 3 साल तक का रेंज होता है पनिशमेंट देने के लिए। लेकिन अगर प्ली बार्गेनिंग हो गई है तो प्ली बार्गेनिंग होने पर उसकी जो सजा होती है वो रेंज घटा दी जाती है, यानी मजिस्ट्रेटों को या सेशन कोर्ट को जो रेंज रहती है वो रेंज को रिड्यूस कर दिया जाता है। अब उसकी रेंज में उसको पनिशमेंट देना है मिनिमम और मैक्सिमम, इसको बोलते हैं प्ली बार्गेनिंग। देखो जो प्ली बार्गेनिंग होती है, जो सोशल इकोनॉमिक ऑफेंस होते हैं, यानी जैसे रेप के केसेस हैं, डाउरी डेथ के केसेस हैं, जो समाज के ऊपर प्रभाव डालते हैं, उसमें प्ली बार्गेनिंग नहीं होती, उसमें प्ली बार्गेनिंग नहीं होती, ध्यान रखिएगा। भले अगर उसका पनिशमेंट बिलो 7 ईयर है, अगर ऐसे अपराध, ध्यान रखिएगा, जो सोशल ऑफेंस होते हैं, सामाजिक अपराध होते हैं, वो भले 7 साल से कम के हों, वहाँ पर प्री बार्गेनिंग लागू नहीं होती। और अगर वो सोशल ऑफेंस नहीं है, सामाजिक अपराध नहीं है, तो प्री बार्गेनिंग हम लोग कर सकते हैं, लेकिन 7 साल के नीचे, ठीक है। बस अपने दिमाग में आप लोग क्या क्या चीज़ फीड कर लो, जो प्ली बार्गेनिंग है वो सेक्शन 265A से 265L में है, टोटल नंबर आप सेक्शन 12, चैप्टर इसके लिए जो यूज़ किया गया है 21A, ठीक है। प्ली बार्गेनिंग अमेरिकन सिस्टम का सिस्टम है, अमेरिका के जो क्रिमिनल लॉ है वहाँ से हम लोगों ने इसको अडॉप्ट किया है, और इसके लिए जो रिकमेंडेशन दिया था वो विधि आयोग ने दिया था, इंडियन लॉ कमेटी ने दिया था, और जो रिकमेंडेशन दिया था वो दिया था 154 अपनी रिपोर्ट ने, और उसी रिपोर्ट पर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमेटी बनाई थी, जिसको हम लोग कहते हैं जस्टिस मलिमत कमेटी। जस्टिस मलिमत कमेटी ने हाईली रिकमेंडेशन दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि इंडिया के रेफरेंस में तो प्ली बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब हम लोग का CRPC का अमेंडमेंट हो रहा था, तो हम लोगों ने उस प्रोविज़न को CRPC में डाल दिया,
और सीआरपीसी में डालने के बाद ये कहा गया है कि 0-7 ईयर जो 7 साल से नीचे के मैटर होंगे, लेकिन सोशल ऑफिस को छोड़कर हम प्ली बार्गेनिंग कर सकते हैं। प्ली बार्गेनिंग कब होगी? जब ट्रायल स्टार्ट होगा तब। प्ली बार्गेनिंग की शुरुआत कौन करेगा? एक्यूज पर्सन। कोर्ट से परमिशन मांगेगा कि मुझे परमिशन दे दीजिए, मुझे क्या करना है, विक्टिम से प्ली बार्गेनिंग करना है। तो चूंकि लॉ का प्रोविजन है, इसलिए मुझे मांग रहा है वो कोई गलत नहीं मांग रहा है। कोर्ट अगर अलाउ कर देती है तो ये ध्यान रखिएगा कि जो एक्यूज पर्सन है वो विक्टिम से कोर्ट के बाहर समझौता करेगा। ये नहीं कि वही जैसा आपके सामने समझौता हो रहा है और जिस भी पॉइंट पर दोनों एग्री हो गए, उस एग्री होने के बाद दोनों की ओर से म्यूचुअल अप्लीकेशन कोर्ट में डाली जाएगी। कोर्ट अगर एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है आपके प्ली बार्गेनिंग हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो कोर्ट ट्रायल चलाएगा और ट्रायल चलाने के बाद कोर्ट जो कन्विक्शन आएगा उस कन्विक्शन में कमी करेगा। क्या ट्रायल चलाने के बाद कोर्ट एक्विटल भी कर सकता है? क्या प्ली बार्गेनिंग एक्सेप्ट होने के बाद कोर्ट ट्रायल के बाद उस एक्यूज पर्सन को एक्विटल भी कर सकता है, दोष मुक्त भी कर सकता है? कि प्ली बार्गेनिंग कर लियो तो कन्विक्शन ही होगा? नहीं सर, नहीं कर सकता। कर सकता है, जरा सोचो थोड़ा सा। सर जब दोष दंडित किया जा सकता है तो दोष मुक्त भी तो किया जा सकता है। अब सर को नहीं मालूम है तो आपसे पूछते हैं। दोष मुक्त नहीं होगा। देखो पहले समझो प्रश्न को, क्वेश्चन को समझ लो तो हम आंसर समझा देंगे। प्ली बार्गेनिंग किस बात के लिए किया है? हम लोग आपस में समझौता कर रहे हैं, मुकदमा नहीं लड़ना चाहते आगे, ठीक है ना? तो कोर्ट कहता है ठीक है कि आपने प्ली बार्गेनिंग कर लिया है, लेकिन हम तो पहले ये डिसाइड कर लें कि ये कन्विक्शन की है कि एक्यूटल की है। अब देखो दो बातें हैं, अगर कन्विक्शन होता है तब प्ली बार्गेनिंग का बेनिफिट मिलेगा, अगर कन्विक्शन कोर्ट करती है तो प्ली बार्गेनिंग का बेनिफिट मिलेगा, और कोर्ट अगर एक्यूटल करता है तो गलत है? ये सब नहीं मिलेगा भाई। अगर प्रोसिक्यूशन ने कोई यूडेस नहीं प्रॉपर ला पाया तब कोर्ट, आप लोग को इंडियन यूडेस एक्ट पे पढ़ाया गया है प्रूव्ड डिसप्रूव्ड नॉट प्रूव्ड, तो प्रोसिक्यूशन अपने मामले को प्रूव्ड नहीं कर पाया, इसके बाद भी कन्विक्शन दिया जाएगा? नहीं नहीं सर, तो फिर नहीं दिया जाएगा। नो सर, तब तो प्ली बार्गेनिंग का ऑप्शन ही नहीं आएगा। तो क्या समझ में आया? क्या समझ में आप लोगों को? समझ में ये आया आप लोगों को, प्ली बार्गेनिंग करने के बाद ये जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कोर्ट के लिए कि कोर्ट कन्विक्शन ही करेगा। कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है ट्रायल चला के चाहे कन्विक्शन की ओर जाएगा चाहे एक्यूटल की ओर जाएगा। एक्यूटल की, अगर एक्यूटल कर दिया तो बात ही खत्म हो गई। कन्विक्शन करेगा तब आपके प्ली बार्गेनिंग वाले सेंटेंस को ध्यान में रखेगा। देखिए जब कभी कोर्ट किसी को कन्विक्ट करता है तो कन्विक्ट करने के बाद ही कोई डेट लगाता है आगे। ट्रायल कोर्ट एक्यूज पर्सन को कन्विक्ट करने के बाद कोई डेट लगाता है कि फाइनल हो गया आज? किसने लगाता है? पनिशमेंट, सजा को कम करने या ज्यादा करने के लिए, कितना इसको सजा दिया जाए इस बात के लिए लगता है। उसी समय ये कंसीडर होगा, उसी समय ये कंसीडर होगा। और कोर्ट ने अगर किसी को एक्विटल कर दिया तब आगे डेट लगेगी? नहीं सर। पक्का जी? अब किस बात की डेट लगेगी जरा पहले ये सोच लो। अरे एक्विटल का मतलब ये होता है कि दोष मुक्त, हिंदी समझो, उर्दू में कितना अच्छा शब्द है, बा इज्जत बरी। एक्यूट कर दिया यानी आपको सारे चार्जेस से फ्री कर दिया। जब फ्री कर दिया तो फिर क्यों आपको कोर्ट में आने की जरूरत है? तब आने की जरूरत नहीं है ना? नो, चलो इसको इतना आप लोग याद रखना, पीटी में इतने क्वेश्चंस आप लोग के एग्जाम में आएंगे, ठीक है? इसको भूलना नहीं है। देखो दूसरा चैप्टर है जो आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे वो है जनरल प्रोविजन एज टू इंक्वायरीज एंड ट्रायल।
जांचो और विचारण के बारे में साधारण उपबंध, चैप्टर नंबर 24। देखिए सेक्शन नंबर सेक्शन 300 से 327 में ये कहा गया है कि जब कभी ट्रायल कोर्ट कोई इंक्वायरी करे या कोई ट्रायल चलाए तो किन किन प्रोविज़न को ध्यान में रखेगा। ये एक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। ट्रायल कोर्टों के लिए ये सिद्धांत बताया गया है, प्रिंसिपल बताया गया है, इन इन चीज़ों को आप ध्यान में रखना। देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक एक को ध्यान से सुनिए। सेक्शन 300, देखो जो सेक्शन 300 है वो कहता है पर्सन वंस कन्विक्टेड आर एक्विटेड नॉट टू बी ट्राइड फॉर सेम ऑफेंस। एक बार दोष सिद्ध या दोष मुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध का विचारण न किया जाना। अगर किसी कोर्ट ने किसी भी एक्यूज पर्सन का पूरा ट्रायल चलाया और ट्रायल चलाने के बाद एक्यूज पर्सन को वो या तो एक्विटल कर दिया या कन्विक्ट कर दिया, अब वो केस उस कोर्ट पे चलेगा? नहीं सर, नहीं चलेगा। नहीं सर, डबल जेओपार्डी का मामला हो जाएगा। अगर रिव्यू किया जाता, रिव्यू पिटीशन जा सकता है। रिव्यू किया जाए, पुनरावलोकन तब? क्रिमिनल केसेस में रिव्यू नहीं होती, कॉपी में लिख लो फर्स्ट से, ठीक है? क्रिमिनल केसेस में रिव्यू का प्रोविजन नहीं है, रिव्यू केवल सिविल केसेस में होता है, पहले तो ये ध्यान रखना। अब देखो यहां पर सेक्शन 300 पे दो प्रिंसिपल आपको ध्यान रखना है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20 का सब क्लास 2, संविधान के अनुच्छेद 20 का 2 क्या कहता है? डबल जियोपार्डी, दोहरे दंड से संरक्षण। उसमें यह कहा गया है कि एक ऑफेंस के लिए एक एक्यूज पर्सन को दो बार हम न तो ट्रायल चला सकते न तो कन्विक्ट कर सकते। क्यों? जब एक बार ट्रायल उसका चल चुका है या उसका कन्विक्शन हो चुका है तो आगे अगर कोई अपोजिट पार्टी कुछ करना चाहता है तो क्या करे? अपील, रिवीजन। अपील और रिवीजन करना लीगल राइट है, यस आप करिए, लेकिन आप उसी कोर्ट में फिर से क्यों आप ट्रायल कराना चाहते हो? फिर क्यों से फिर उसी कोर्ट में क्यों केस लाना चाहते हो? ठीक है, अगर किसी भी एक्यूज पर्सन को ध्यान रखिएगा कन्विक्ट कर दिया गया है, ठीक, तो उसी कोर्ट के द्वारा फिर से उसका कन्विक्शन पर या एक्विटल पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। जो भी करना हो आप बड़ी कोर्ट में करोगे और बड़ी कोर्ट में जो आपके पास रेमेडीज है वो है अपील और रिवीजन। ठीक है, अगर आप लोग थोड़ा सा याद करिए सीपीसी का सेक्शन नंबर 11, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा क्या कहता है? एक केस को एक कोर्ट में अगर डिसाइड कर दिया है तो वही केस, वही पार्टीज, वही कॉज ऑफ एक्शन, वही टाइटल को लेकर, वही रेमेडीज को लेकर उसी कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि अगर बार बार आप वहीं जाओगे तो कब वो अंतिम होगा निर्णय? कोर्ट ने डिसाइड किया फिर आप पहुंच गए दो दिन के बाद, फिर डिसाइड किया फिर दो दिन बाद पहुंच गए। तो ये सेक्शन 300 कहता है कि अगर एक बार पूरा ट्रायल चलाकर किसी भी एक्यूज पर्सन को या तो एक्विटल किया गया तो कन्विक्शन किया गया तो फर्दर वो केस उसी कोर्ट पे फिर से ट्रायल के रूप में नहीं चलेगा, और चलेगा तो कहाँ चलेगा? बड़ी कोर्ट में, मरिया कोर्ट में। बड़ी कोर्ट का क्या नाम होता है? रिविजनिस कोर्ट या अपीलेट कोर्ट। ठीक, ये बात कही गई है 300 में। जैसे आप LLB पास हो गए तो प्रभात जी, जी सर, कहाँ से किया? जी मधेपुरा से। मधेपुरा से फिर कर सकते हैं वहीं से LLB? जी नहीं सर। क्यों? कोर्स तो पूरा हो गया सर, अब वहां से कैसे करेंगे? नहीं, आपको मन करता है एक बार फिर से कर ले। लोग डबल एम ए करते हैं ना, डबल एम ए करते हैं, डबल एम एस सी करते हैं जी। तो आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, आपका मन करता है यूपी से कर ले,
इलाहाबाद से कर लेते, यहाँ से आके कर सकते हैं लोग? नहीं सर। आपका मन करता है जाके ब्रिटेन से कर ले, तो वहां से कर सकते हैं? कहीं एक ही वैलिड होगा ना सर सर्टिफिकेट? पूरे इंडिया वर्ल्ड में कहीं नहीं कर सकते। आपको डिग्री किसने दिया है? विश्वविद्यालय ने जी। ऐसे ध्यान रखिए, आपको करना है तो आप एलएलएम करो जी। एलएलएम आप मधेपुरा से भी कर सकते हैं, यूपी से भी कर सकते हैं, ब्रिटेन और लंदन कहीं से भी कर सकते हो, कहीं से कर सकते हैं। इसपे समझाएगी, यही चीज आप लोगों को समझाया गया है कि जैसे आपने जो डिग्रियां प्राप्त कर ली हैं उस डिग्री के लिए फिर आप नहीं कर सकते। और जो हमने कहा लोग डबल एमए करते हैं वो सब्जेक्ट अलग हो जाता है, किसी ने अगर हिस्ट्री में एमए किया तो वो जाके पॉलिटिकल साइंस में एमए कर रहा है तो सब्जेक्ट बदल गया। लॉ में तो सारा चीज कंपलसरी है, लॉ में कुछ ऑप्शनल होता है? नहीं सर, सब कंपलसरी है। तो वही कंपलसरी को फिर से क्यों पढ़ोगे? अच्छा मान लो सेकेंड टाइम आपको यूनिवर्सिटी ने दे दिया एडमिशन और आप फेल हो गए तो कौन वाली डिग्री लगाओगे? फेल वाली तो कदा ही नहीं लगाओगे, उसको ऐसे जगह दबा के रखो कि कोई देख ना पाए। तो ये दिक्कत आई ना, इसलिए कहा गया कि आप फिर से एलएलबी नहीं कर सकते। यही बात सीआरपीसी के सेक्शन 300 में कहा गया। 301 कहता है अपीयरेंस ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। याद करिए जब सेशन ट्रायल आपको पढ़ाया गया था, सेशन ट्रायल का सेक्शन 225 क्या बोलता था? सेशन ट्रायल का जो सेक्शन 225 है वो क्या कहता था? सेशन ट्रायल को कौन कंडक्ट करेगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब कभी क्रिमिनल ट्रायल स्टार्ट होता है तो उसको शुरुआत कौन करेगा? पीपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर हर समय करेगा प्रोसिक्यूटर। क्यों क्यों एक्यूज नहीं करेगा? एक्यूज का काउंसिल क्यों नहीं, प्राइवेट काउंसिल क्यों नहीं करेगा? इसका आंसर मिलता है इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 101 और 102। 101 102 कहता है बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत का भार। क्रिमिनल केसेस पर बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होता है? प्रोसिक्यूशन पर, कंप्लेनेंट पर। क्रिमिनल केसेस पे बर्डन ऑफ प्रूफ होता है अगर पुलिस केस है तो प्रोसिक्यूशन पर, अगर प्राइवेट केस है तो कंप्लेनेंट पर। सिविल केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होता है? प्लेंटिफ पर, वादी पर। तो इसीलिए शुरुआत करता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इसीलिए शुरुआत करता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। समझ में आया? आपसे पूछा जाए पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्यों करता है, प्राइवेट क्यों नहीं करता, तो आप अनाप शनाप आंसर मत दीजिएगा। आप उसको बोलिएगा इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 101 102 को जब हम लोग मिला के पढ़ते हैं तो जो कंक्लूजन निकलता है वो कहता है बर्डन ऑफ प्रूफ क्रिमिनल केसेस में प्रोसिक्यूशन पर या कंप्लेनेंट पर, और सिविल केसेस में प्लेंटिफ पर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? बर्डन ऑफ प्रूफ। और बर्डन ऑफ प्रूफ से एक चीज निकलता है ओनस। ओनस ओनस क्या होता है? बर्डन ऑफ प्रूफ हर समय कांस्टेंट होता है। बर्डन ऑफ प्रूफ हर समय कांस्टेंट होता है। अगर क्रिमिनल केस है तो प्रोसिक्यूशन पर होगा, ये हिलता डुलता नहीं। लेकिन अगर एक्यूज पर्सन किसी सेक्शन का लाभ चाहता है, बेनिफिट चाहता है, वो ये चाहता है कि मैं घटना वाले दिन बहुत दूर था, वो चाहता है कि जिस दिन अकरेंस हुआ है उस दिन मैं अनसाउंड माइंड था, तो उसी बर्डन ऑफ प्रूफ में से निकलता है जिसको कहते ओनस, साबित करने का भार। ओनस क्या होता है? वेरिएबल, हिलता डुलता है। समझ में आया? तो ये दो शब्द हैं, जैसे आप लोग के मुंह में दो जबड़े हैं, एक ऊपरी एक निचला, तो ऊपर वाला हिलता है कि नीचे वाला? नीचे वाला सर। देख लो भाई, हिला के तय कर लो। क्या बात जीते हैं जी, कौन सा हिला, ऊपर के नीचे? हंसने से तो सर दोनों हिलता। दोनों हिल रहा है? नहीं सर, नहीं सर, ऊपर का तो नहीं हिलेगा। अगर हिलेगा तो आपका नाम ग्रीनिश बुक में आ जाएगा। ऐसे लोग को ढूंढते हैं कि जो अलग से हो। तो ऊपर वाला कांस्टेंट है,
ये ध्यान रखिएगा, वो है बर्डन ना प्रूफ। और निचला वाला हर समय वेरिएबल होता है, बोलते हैं, खाते हैं, झगड़ा करते हैं, कुछ भी करते हैं, नीचे वाला चलता है, तो वो है ओनस। ठीक, अब क्लास के बाद खूब हिला के देखना है, अगर ऊपर वाला जिसका हिलेगा वो कमेंट में लिख देगा, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना। तो देखो 301 जो हम लोग सीआरपीसी पढ़ रहे हैं वो गवर्न होता है सेक्शन 101-102 से, ठीक है। तीसरा है 302, अभियोजन का संचालन करने की अनुज्ञा, परमिशन टू कंडक्ट प्रोसिक्यूशन। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं सीआरपीसी के सेक्शन 24 में। सीआरपीसी के सेक्शन 24 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में बताया गया है। वो कोर्ट से कहेगा कि मुझे परमिशन दीजिए, मैं केस को कंडक्ट करना चाहता हूँ, ठीक। ये बात कही गई 302 में। अब ये कहा गया है कि 303 कहता है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई संस्थित की गई उसका प्रतिरक्षा करने का अधिकार, राइट ऑफ पर्सन अगेंस्ट हुम प्रोसीडिंग आर इंस्टीट्यूटेड टू बी डिफेंड। जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपने केस को कंडक्ट कर लेगा तो ये कहा गया है कि डिफेंस करने के लिए जरूर आप कहना, बचाओ इसको, एक्यूज को। ऐसा नहीं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात को सुनकर आप कोई निर्णय ले लेना, आप डिफेंस को बचाव करने का मौका जरूर देना। ये किस प्रिंसिपल पर आधारित है कि डिफेंस को भी मौका दिया जाए? इस प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। देखते चलो एक एक जो बोलते चल रहे हैं। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, जो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, वो कहता है हियरिंग द बोथ पार्टीज, दोनों पक्षकारों को सुनो। जब कोर्ट दोनों को सुनेगा तभी कोर्ट अच्छा जजमेंट दे पाएगा। जैसे आप लोग डेली के रूटीन में दोनों की बात सुनकर कोई निर्णय लेते हो कि एक को सुनकर? दोनों सवाल ही नहीं उठता, दोनों को सुन के लो तो कोई झगड़े ना हो। बोलिए। अगर संध्या बता दिया कि आज आपके पति महोदय एक पार्क में घूम रहे थे अपने एक एम्प्लॉय लेडीज के साथ, तो आते ही उनका स्वागत कैसे करोगे आप? बस यही से आप सोच लो। अब जितना मैक्सिमम टेम्परेचर हो सकता है शरीर का वो रेडी रहेगा, बस इंतजार करते रहेंगे। कल एक फ्रेश केस फाइल हो जाएगा। हाँ, बिना पूछे कुछ नहीं, कौन कल मुही थी, कहाँ से मिली, वही एक्टर मिली थी, दुनिया भर का शुरू। तो ये क्या है, एक ही को तो सुना ना। अच्छा, अगर आप इसको बड़े आराम से पूछ लो कि आज एक आदमी आया था आपके ऑफिस का ही आया था, बोल रहा था कि आप किसी एम्प्लॉय के साथ पार्क में घूम रहे थे, तो उनको भी बोलने दो ना। तो हो सकता है कि झगड़ा जीरो हो जाए, ठीक है। और दूसरा आप देख लो, अगर कोई आया वो आपकी तारीफ हो करने लगा, आप खुश हो जाते हो, अरे आप जैसा कोई बातें नहीं, आपकी नॉलेज इतनी अच्छी है, आपको तो लॉ की बहुत गजब की नॉलेज है, आप गुब्बारे की तरह फूल गए, बैलून की तरह। और वो जब आपकी बटरिंग कर लिया है तो आपसे कुछ गेन कर लिया, ठीक है, चाहे आपके दो किताब ले जा रहे हैं आईपीसी सीआरपीसी की, अरे अरे बिल्कुल बिल्कुल ले जाओ अपनी ही है, खुश हो गए। अच्छा, किसी ने आपकी बुराई कर दिया तब, वो तो हमको बर्दाश्त ही नहीं है, किसी भी इंडियंस को अपनी बुराई तो बर्दाश्त ही नहीं है। तो ये क्या है, एक व्यक्ति को सुनना। तो देखो प्रिंसिपल आप आज से जीवन बदलो, प्रिंसिपल आप नेचुरल जस्टिस कहता है हीरिंग द बोथ पार्टी, दोनों को सुनो। जब दोनों को सुनोगे तो कभी भी आपसे गलती नहीं होगी, ठीक है। तो ये बात कही गई 303 में ट्रायल कोर्ट करने वाले जज साहब को। ये कहा गया कि प्रोसिक्यूशन को सुनने के बाद, ये नहीं कि आप प्रोसिक्यूशन के फेवर में कोई जजमेंट दे दो या कोई ऑर्डर दे दो, आप डिफेंस को जरूर सुनना, ठीक। डिफेंस मतलब एक्यूज्ड को। ये बात कही गई 303 में। 304
देखिए हम लोग के कंस्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है 13 39A 39A, जिसमें यह कहा गया है कि डीपीएसपी के फॉर्म में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के रूप में कि जो भारत में रहने वाले लोग गरीब हैं, निर्धन हैं, पुअर हैं, अगर उनके पास पैसे नहीं हैं तो उनको केस लड़ने के लिए स्टेट क्या करे, फ्री लीगल एड दे, निःशुल्क विधिक सहायता। तो सीपीसी में उसका प्रोविज़न है आर्डर 13(3) में, 33 में। जब सीपीसी हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रोविज़न है इंडिजन पर्सन, निर्धन व्यक्ति, आर्डर 33। ये जोड़ा गया सीपीसी में 1976 में, और हमारे सीआरपीसी में 3 साल पहले 73 में जोड़ दिया गया था सेक्शन 304 लीगल एड। ये कहा गया कि अगर मान लीजिए कोई एक्यूज्ड ऐसा है जिसके भाई देखो जो विक्टिम है, विक्टिम को तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिल गया बिना पैसे के, और एक्यूज के पास अगर पैसे नहीं है तब, एक्यूज के पास रिसोर्सेज नहीं है तब, एक्यूज को कहा लीगल एड मिलता है, आपको फ्री लीगल एड मिलेगा 304 में जी। तो देखो जो सेक्शन 304 हम लोग पढ़ रहे हैं, लिख लो 304 सीआरपीसी इज इक्वल टू आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 39A। इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, इज इक्वल टू ऑर्डर 33 सीपीसी। देखिए जैसे आप लोग से इंटरव्यू में पूछा गया कि ये बताइए इंडिया में फ्री लीगल एड के बारे में क्या प्रोविजन है, आप इसको देखो सिस्टमेटिक फॉर्म में बताना कि 1950 के पहले कोई प्रोविजन नहीं था। 1950 में हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ तो उसमें एक डीपीएसपी की आर्टिकल बनाई गई और उसका नाम रखा गया फ्री लीगल एड। उसी को कंप्लायंस करने के लिए सीपीसी में लाया गया ऑर्डर 33 और सीआरपीसी में लाया गया 304, ठीक, और ये मिल रहा है, ये मिल रहा है। ऑर्डर 33 और 304 में अंतर क्या है, दोनों में क्या अंतर है? ऑर्डर 33 में जो आपको स्टेट रिलीफ देता है मुकदमा लड़ने के लिए, आप केस जीतो या हारो स्टेट अपना पैसा लेगा कि नहीं लेगा? लेगा, लेगा। और आप नहीं दोगे तो आपको क्या बना देगा, इंसॉल्वेंट, दिवालिया, दिवालिया। तो ध्यान समझो सब लोग, सिविल केसेस में जब कभी आपको निर्धन व्यक्ति का लाभ दिया जाएगा, इंडिजेंट पर्सन का लाभ दिया जाएगा, उस समय तो आपको दे दिया जाएगा, आपसे न तो कोर्ट अपनी फीस मांगेगा न तो एडवोकेट की फीस मांगी जाएगी। लास्ट में जब आप मुकदमा जीतो या हारो, कुछ भी करो, स्टेट कहता है मेरा पैसा वापस करो। अच्छा आप बताओ स्टेट कौन सी चीज़ आप लोगों को फ्री में देता है, कोई चीज़ बता दो जो फ्री में देता हो। ये मोदी जी का राशन छोड़ के, वो बीपीएल वालों को मिलता है, और कोई चीज़? आप गाड़ी खरीदते हो रोड टैक्स देते हो? यस। क्यों? गाड़ी आपने खरीदा, रोड टैक्स क्यों देते हो? रोड सरकार की है, सरकार की है जो रोड, सर आप अपनी गाड़ी चलाते हो, रोड खराब होती है उसके मेंटेनेंस के लिए, और जो आप गाड़ी चलाते हो आपका टायर खराब होता है उसका मेंटेनेंस देता है स्टेट? नो, मांगना भी मत। नहीं। अच्छा। सर प्राइमरी एजुकेशन, आपने अपने पैसे से मकान बनवाया, हाउस टैक्स लगता है? लगता है। क्यों? आपका तो मकान है, क्यों लगता है हाउस टैक्स? इसलिए लगता है हाउस के जो भी चीज है वो जो बाहर निकलेगा, जैसे मान लीजिए घर का पानी निकला, सीवेज का पानी निकला, तो कहाँ जाएगा? नाला में। नाला जाएगा, तो गवर्नमेंट कहती है हाउस टैक्स दो, हाउस टैक्स दो। तो वाटर टैक्स, हाउस टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, रोड टैक्स, और अगर आपने ज्यादा कमाया ना इनकम टैक्स दो, इनकम टैक्स। अभी रो रहे होगे नौकरी नहीं है, कल नौकरी पाओगे उससे ज्यादा रोगे,
पूरे एक महीने से डेढ़ महीने के, ये डीजे लोग की दो महीने की सैलरी जाती है इनकम टैक्स में, आपकी सैलरी काट ली जाएगी। कल 10 महीने की सैलरी मिलेगी, नोट कर लेना, और सिविल जज की 1 महीने की जाएगी पूरी सैलरी इनकम टैक्स में। तो लेता है क्लास आपने के परीक्षा सर की, रात दिन सुबह उठ के आप पढ़े, प्री मेन सेंटर भी आपने निकाले, सैलरी मिली तो इनकम टैक्स काट लिया गया। क्यों क्यों काटा गया? आपके ही इनकम टैक्स से ढेर सारे बेनिफिशियरी वर्क होते हैं, समझे? तो कंक्लूजन आज से ये सीख लो कि सरकार कोई भी चीज़ फ्री में नहीं देती। जो प्राइमरी एजुकेशन आप कह रहे हैं वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को है, 15 साल को कोई फ्री देता है एजुकेशन? वो कह 6 to 14 ईयर के चाइल्ड को है, ठीक है? तो ये बात कही गई 304 में। देखो अब एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन इसमें है 306। 306 कहता है एकम्प्लिस, एकम्प्लिस को पार्डन देना, सह अपराधी को क्षमा। देखिए ये जो सीआरपीसी का प्रोविजन है, इंडियन एविडेंस एक्ट लिया गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट में 2 सेक्शन है एकम्प्लिस के लिए, एक है 133 133, और दूसरा है 114 114, इलस्ट्रेशन बी। तो वहां पर एकम्प्लिस के बारे में, पार्डन के बारे में बात कही गई है। सॉरी सर, सेक्शन एक बार फिर से बता दीजिए। 133 133, इंडियन एविडेंस एक्ट, और इसी के साथ एक सेक्शन और है 114 114 114, इलस्ट्रेशन बी। दो जगह एकम्प्लिस के बारे में प्रोविजन है। ये कहा जाता है कि अगर कोई एकम्प्लिस है तो उसको पार्डन दे दिया जाए, क्षमादान दे दिया जाए। एकम्प्लिस किसको बोलते हैं नए लोगों में से, किसको मालूम है? सह अपराधी कौन है? जो अपराध में साथ हो, अपराध करने में जो सहयोग करता है, तो उसको कोई किसी तरह से भी सहायता करने वाले, उसको कोई एक्यूज बोलेंगे कि एकम्प्लिस बोलेंगे? तुरंत आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन कोई अक्यूज्ड एंड एकम्प्लिस, सह अभियुक्त और सह अपराधी में क्या अंतर है? तो दोनों का दायित्व उतना ही है, दिया गया है गलत किया है, और एकम्प्लिस वो है जिसने साथ दिया है। एकम्प्लिस वो है संयुक्त विचारण में जो होते हैं सर, उनको कहते हैं एकम्प्लिस, और जो साथ साथ अपराध करते हैं उनको कहते हैं सह अपराधी। तो क्यों उसको अपराधी कहते हैं? आपने तो उसको अपराधी है बोल दिया, जब अपराधी है हो गया और उसका भी उसको क्षमादान भी देना है। एक तरफ आप अपराधी कह रहे हो, एक तरफ क्षमादान कह रहे हो, तो कंट्रोवर्सी नहीं लग रहा है? ये कंप्लीस किसको कहते हैं? और किसी नए को मालूम है? हर्षिता शर्मा, आजकल कुछ पता नहीं चल रहा है कि पढ़ाई लाइक है, क्या हो रही है मालूम है? सह अपराधी जब कोई अपराधी, यस सर, जब कोई अपराधी किसी के साथ मिलकर अपराध करता है उसे सह अपराधी। अच्छा, सह अभियुक्त किसको बोलते हैं? जब वो मतलब कि कोई मतलब जैसे कि चोरी का कोई किसी को धमकी देता है और कोई तीसरा पर्सन होता है उसे जैसा आप लोग पढ़ते हैं ना कि कभी कभी राकेश है ना, अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इसके मतलब राकेश और कोई दूसरा है अपराध में, तो ये दोनों कोई एक्यूज्ड है कि एकम्प्लिस है? कोई एक्यूज्ड है सर, फिर एकम्प्लिस का एक्यूज्ड है जब अपराध साबित हो जाएगा तब तो अपराध की है, तभी तो उनके खिलाफ FIR हुई है, राकेश है ना, 10 वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। सर तो अभी अपराध साबित नहीं हुआ है, कंप्लीट थे और जब उनके पास जब उनमें से कोई एक अपने जुर्म को स्वीकार कर लेगा तो फिर एकम्प्लिस कर आएगा कि जो। हाँ क्या बताइए मनीषा जी, क्या बोल रही है? अपराधी वह व्यक्ति होता है जब कुछ लोग मिल करके अपराध करते हैं और कोई निशानी नहीं छोड़ते हैं, उनमें से पुलिस को, उनमें से किसी एक व्यक्ति को माफ कर दिया जाता है इस शर्त के साथ कि जिसके साथ अपराध।
सही है। देखो इसको ध्यान से सुनो सब लोग, देखो आप लोग को बहुत प्रोविजन पढ़ने, ध्यान रख लीजिएगा, हंसी मत लीजिएगा जुडिशरी को या हायर जुडिशियल को, बहुत प्रोविजन पढ़ना है और क्लियर पढ़ना है, वो रटे रटाए वाला नहीं कि कहीं से पढ़ लिए। देखो ये कंप्लीस क्या होता है, ध्यान से सुनो, जब कभी कोई क्राइम होता है, क्राइम होने के बाद अगर एक्यूज पर्सन का पता चल जाता है तब FIR, आप लोग पढ़ते हो ना नामजद FIR, सुनते हो, इसका क्या मतलब होता है, एक्यूज का नाम पता है, तो जो स्टेशन ऑफिसर्स होता है वो FIR लॉन्च करता है एक्यूज के नाम से। जैसे मान लीजिए राकेश, दिनेश, महेश, तीन लोगों ने कोई ऑफेंस किया और ऑफेंस करके भाग गए या पकड़ में आ गए, कुछ भी हो गया, लेकिन उनके बारे में पता है ये ऑफेंस तीन लोगों ने किया, तो जिसका नाम पहले मिलेगा, जैसे मान लीजिए पता चलता है राकेश और उसके दो साथी महेश और दिनेश ने अपराध किया, तो इसकी जो FIR होगी स्टेट वर्सेस राकेश एंड अदर्स, कोई ऑफेंस हुआ लेकिन ये नहीं मालूम किसने किया, ऑफेंस हुआ लेकिन ये नहीं मालूम किसने किया, तब FIR किस नाम से होगी, अज्ञात सरकार, अज्ञात स्टेट वर्सेस अननोन, ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है जी। अब यहीं से बाइफर्केट हो रहा है, ध्यान रखो, अगर FIR बाय नेम हुई है तो एकम्प्लिस कभी उस वाले मैटर में एकम्प्लिस कभी नहीं आएगा, एकम्प्लिस हर समय आता है स्टेट वर्सेस अननोन वाले मैटर पर। एक तो पहले अभी अभी शोर चलना है हम लोग को स्टेट वर्सेस अननोन पर, स्टेट वर्सेस अननोन की FIR पर अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स पूरी कोशिश करता है कि पता चल जाए ये ऑफेंस किसने किया, किस गैंग ने किया, किस गिरोह ने किया, पता चल गया तो FIR में अननोन की जगह उसका नाम डाल देता है, फिर वो उसी तरह ट्रीट होता है जैसे स्टेट वर्सेस राकेश एंड अदर्स का मैटर था। जब कभी ऐसी स्थिति आती है कि IO ने पूरी कोशिश किया लेकिन यही नहीं पता चल रहा है कि इस ऑफेंस को किस गिरोह ने किया, किस गैंग ने किया, तब जो मुखबिर होता है, इंडियन एविडेंस एक्ट में आप लोग पढ़ते हैं ना मुखबिर, पुलिस का एजेंट, उसकी भी मदद ली जाती है। अगर वो ये कहता है कि एक जो है गिरोह है वही ऑफेंस कर सकता है, पुलिस को ये पता चलता है कि डाउट है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, गुप्तचर के द्वारा सर, IO को ये केवल पता चलता है कि एक ऐसा गिरोह है वो ये सब ऑफेंस करता है, ये बताओ उस गिरोह के लोगों को जब पूछेगा तो कोई बोलेगा हाँ मैंने किया है? नो बोलेगा, अरे मुझसे तो कोई मतलब ही नहीं, मुझसे तो कोई मतलब ही नहीं। अब देखो IO को बोला गया उस गिरोह के किसी एक मेंबर को आप इसलिए तैयार करो कि अगर आप अपने और अपने साथियों द्वारा किए गए ऑफेंस को पूरा का पूरा बता दो सही सही तो मैं तुम्हें माफी दिला दूंगा, पार्डन दिला दूंगा कोर्ट से। अब ध्यान से देखो, है तो वो सब एक को एक्यूज्ड, वो जो गिरोह के लोगों के ऊपर डाउट है वो है, अगर मान लीजिए सच में उन्होंने ऑफेंस किया वो को एक्यूज्ड है एक दूसरे के, बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है जी सर। अब अगर पुलिस ऑफिसर ने यह तैयार किया कि तुम कोर्ट चलो और कोर्ट के सामने मजिस्ट्रेट के सामने अपने और अपने साथियों द्वारा किए गए ऑफेंस को बोलो, तो जब कभी कोई एक्यूज पर्सन कन्फेशन करता है तो उसको कन्विक्टेड बोलते हैं, जब कोई एक्यूज पर्सन कोर्ट में कन्फेशन करता है तो उसको कन्विक्टेड पर्सन बोलते हैं नहीं बोलते हैं? तो जब कोई कोई एक्यूज कोर्ट में कन्फेशन करेगा तो उसको बोलेंगे एकम्प्लिस। अब ये बन गया सरकार का गवाह और इस शर्त के साथ बना है कि इसको सजा नहीं दी जाएगी, क्यों? अगर मान लीजिए किसी भी एकम्प्लिस को आपने बहला फुसला के ले आए और बाद में उसको सजा दिलवा दिए तो फ्यूचर में कोई बनेगा? नो, नहीं बनेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, वो बन गया सरकार का गवाह। अब आता है कि उसकी इविडेंशियल वैल्यू क्या होगी, जो अपने ऊपर, वो तो फ्री हो गया,
मान लीजिए उसका किसी से बहुत दिनों से कोई रंजिश चल रही थी, झगड़े चल रहे थे, उसका भी नाम लपेट ले तो वो भी दंडित हो जाएगा ना। इस पे दो सेक्शन है, इंडियन यूनियन सीट 133 133 और सेक्शन 114 इलस्ट्रेशन भी, धारा 114 का दृष्टांत भी। 133 कहता है एकम्प्लिस के स्टेटमेंट के बेसिस पर हम उसके साथियों को दंडित कर सकते हैं, बट जो 114 का बी है वो कहता है एक न्यायालय ये प्रिज्यूम करेगा कि जो एकम्प्लिस है वो क्या है, अविश्वसनीय है, वो विश्वास के योग्य नहीं है, क्योंकि बेसिकली वो भी तो ऑफेंस क्या है, क्रिमिनल है ना। अब दो सेक्शन टकराई, एक सेक्शन है 133 जो एकम्प्लिस के बेसिस पर साथियों को दंड देने के लिए कहता है, और दूसरी सेक्शन है 114 बी जो कहता है कि नहीं नहीं एक्यूज तो खुद ही अपराधी है, उसके कहने के मात्र केवल उसके कहने से हम उसके साथियों को दंड न दिया जाए। अब जब ये दो सेक्शन आपस में टकराई तो आप जानते हो जब दो सेक्शन के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको कौन दूर करता है, ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट कोई कानून बनाए, तीन ही लोग का पावर है, चौथा कोई नहीं दूर करेगा। या तो हाई कोर्ट उस पर कोई केस ला दे दे, या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर दे, और या पार्लियामेंट उस पर कोई कानून बना दे। तो अगर हाई कोर्ट डिसीजन देता है तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है केवल उस स्टेट में माना जाएगा, होल इंडिया में नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है तो होल इंडिया में माना जाएगा। आर्टिकल 141 141 यस सर 141 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया निर्णय होल द इंडिया में माना जाएगा, ठीक है। तब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट किया, तो सुप्रीम कोर्ट के किस केस में कहा गया, डगडू वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1977 डगडू वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेटर तो ये होगा एकम्प्लिस स्टेटमेंट के बेसिस पर ही अन्य साथियों को दंडित न किया जाए, बल्कि एकम्प्लिस का क्या किया जाए, कोरोबरेट कराया जाए, मिलान कराया जाए, जो एकम्प्लिस कह रहा है उसका मिलान कराइए अदर एविडेंस से, वो झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है, जिसको हम लोग लीगल लैंग्वेज में कहते हैं कोरोबरेशन, हिंदी में कहते हैं समपोषक, बोलचाल में कहते हैं मिलान। अगर कोरोबरेट हो जाता है उसका प्रीवियस स्टेटमेंट तब उसके अन्य साथियों को दंडित करिए, अदरवाइज मत दंडित करिए। यह है आप लोग की इसकी एकम्प्लिस की स्टोरी, अगर इसको ठीक से समझ जाना तभी आप लोग इसको बता पाओगे। किसी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, एकम्प्लिस क्लियर हो गया। देखिए मनीषा को मालूम था, मनीषा जी को ठीक से बताई, और लोगों को मालूम था। अब किसी कोई प्रॉब्लम है, आगे बढ़े। चलो तो ये कहा गया है कि जो एकम्प्लिस होगा, ये कोर्ट देखो जो हम आज अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ये कोर्ट के लिए डायरेक्शन है, कोर्ट के लिए एक तरह से इसको बोलते हैं DPSP, ट्रायल चलाने वाले मजिस्ट्रेट को या ट्रायल चलाने वाले जो सेशन जज होते हैं उनके लिए ये जो हम लोग चैप्टर नंबर 24 पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या है, दिशा निर्देश है किन किन चीज़ों का पालन करोगे। तो उनको बोला गया कि अगर कोई एकम्प्लिस है आप उसको पार्डन दे दोगे, क्षमादान दे दोगे, ठीक, और उसको जो है क्या करोगे आप, 304 में कहा गया है कि जो फ्री लीगल एड है, 306 में कहा गया है एकम्प्लिस को पार्डन देना। ये PET में 100% आता है कि किस सेक्शन में CRPC में कहा गया है कि फ्री लीगल एड 304, CRPC के किस सेक्शन में कहा गया है कि पार्डन, वो पार्डन मिलता है हम लोग को 306 में, ठीक है। अब देखिए 311 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी सेक्शन है, 311 पावर टू समन मेटीरियल विटनेसेस आर एग्जामिन पर्सन प्रेजेंटेड, आवश्यक साक्षी को
सम्मान करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति। देखिए ध्यान सुनिए, आप रहते हो कहीं पर भी, पूरे इंडिया में कहीं पर भी, ठीक। अगर मान लीजिए कि चार्वी आप कहाँ रहती हैं? देहरादून। मान लीजिए चेन्नई के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आपके खिलाफ सम्मान आता है, चेन्नई से, आप क्या करोगे? इग्नोर करोगे कि या उस पर ध्यान दोगे? तो ध्यान दूंगी। क्या ध्यान दोगे? तो सम्मान किससे रिलेटेड आया है या क्यों आया है? कोर्ट कभी भी आपको सम्मान करे कहीं भी किसी भी जगह से, तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना है। पहले आज से ध्यान कर लो, आपको चाहे चेन्नई से आवे, चाहे केरला से आवे, कहीं से आवे, आप ये नहीं कहोगे मुझसे क्या मतलब, मैं तो चेन्नई गया नहीं, चेन्नई में भी तो मेरा कोई रिलेटिव भी नहीं रहता, ये सब कुछ नहीं। क्यों? 311 में मजिस्ट्रेटों को, सेशन कोर्ट को ये पावर दिया गया है कि अगर आपको लगता है कि एक्स नामक व्यक्ति को इस केस में सम्मन करना है, एक्स नामक व्यक्ति को इस मुकदमे में बुलाना है, तो एक्स नामक व्यक्ति कहीं भी रहता हो आप बुला सकते हो। ये नहीं कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट हो या जिस डिस्ट्रिक्ट के सेशन जज हो उसी डिस्ट्रिक्ट के भीतर के व्यक्ति को, एक किसी को आप सम्मान कर सकते हो, बशर्ते रीजनेबल फॉर्म में, रीजनेबल, एक। तो ये 311 कहती है कि जो हमारे ट्रायल कोर्ट वाले जज होते हैं, चाहे वो मजिस्ट्रेट के फॉर्म में होते हैं, चाहे वो सेशन जज के फॉर्म में होते हैं, उनको ये पावर दी गई है कि वो किसी को भी सम्मान कर सकते हैं। क्यों? कोर्ट चलती है किस पर? एविडेंस पर, साक्षी पर। अब पता चलता है कि इम्पोर्टेंट साक्षी है जो वहां पे रहता है, तो जब तक वो आएगा नहीं तब तक उसका एविडेंस कैसे आप कलेक्ट करोगे? तो उसको आना पड़ेगा ना, तो आप कैसे आएगा वो? दस आप फोन करें, बोलिए नहीं सम्मन भेजने से। तो लीगल प्रोसीडिंग होती है किसी को बुलाने का तरीका, सबसे छोटा सबसे सरल सम्मन। अरे सम्मन को इसने इग्नोर कर दिया, नहीं आया तो वारंट होगा, अवेलेबल वारंट, एनबीडब्ल्यू, प्रोक्लेमेशन, अटैचमेंट, सब वही चलेगा। तो कहने का मतलब कि जब कभी कोई सम्मन वगैरह आए तो इसको इग्नोर हम नहीं करेंगे, ये बात कही गई 311 में। यह आपसे पीटी में भी आएगा और इंटरव्यू में पूछा जाता है कि वो सेक्शन बताइए जिसमें ट्रायल कोर्ट को, मजिस्ट्रेट को या सेशन जज को ये पावर है किसी भी पर्सन को सम्मन कर ले, भले उसका नाम न तो प्रोसिक्यूशन ने लिया है न तो उसका नाम एक्यूज ने लिया है, लेकिन मजिस्ट्रेट के कॉग्निजेंस में आता है कि उस पर्सन का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप बताओगे 311 में, 311 में, ठीक है। 320 देखो, 320 जो है, 320 ये कहता है अपराधों का शमन, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। देखिए जब आप लोग सीआरपीसी खोलना, सीआरपीसी में दो शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल फर्स्ट, शेड्यूल सेकंड, अनुसूची एक, अनुसूची दो। तो जो शेड्यूल नंबर एक है उसमें 6 कॉलम बने हुए हैं, ठीक है। कभी खोला कि नहीं आप लोगों ने? कभी वो जो ये सेक्शन है आईपीसी की, उसमें सारे आईपीसी के सेक्शन दिए गए पनिशमेंट वाले, वो कंपाउंड बिल है कि नॉन कंपाउंड बिल है, उसमें समझौता हो सकता है कि नहीं समझौता हो सकता, आप देखोगे 302 तो लिखा रहेगा नॉन कंपाउंड बिल, नॉन कंपाउंड बिल। 323 तो उसमें लिखा रहता है कंपाउंड बिल, साधारण चोट। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो ऑफेंस कंपाउंड बिल होते हैं उस पर जो मजिस्ट्रेट होते हैं या सेशन जज जिसके भी सामने होता है वहाँ पर हम लोग समझौता कर सकते हैं,
जो सेक्शन नॉन कंपाउंड बिल होता है उसमें हम समझौता नहीं कर सकते। इसको हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? कंपाउंड बिल। कंपाउंड बिल का मतलब होता है, ध्यान समझिए, म्यूट करिए, म्यूट कर देगा। हाँ देखिए, कंपाउंड बिल इंग्लिश का शब्द है, लीगल शब्द कहते हैं शमनी, बोलचाल में इसको क्या कहते हैं? समझौता। समझौता कर सकते हैं। दूसरा क्या है? नॉन कंपाउंड बिल, इसका लीगल वर्ड क्या है? अशमनी। बोलचाल में क्या है? जिसमें समझौता नहीं हो सकता, यानी कि पार्टी चाह कर भी इसमें समझौता नहीं कर सकती, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन कंपाउंड बिल ऑफेंस। देखो लास्ट में है 327, आप लोग पढ़ते हो बंद न्यायालय खुला न्यायालय, ओपन कोर्ट क्लोज कोर्ट, इसका क्या मतलब होता है? कभी कभी आप लोग पढ़ते हो ना कि ये स्टेटमेंट कोर्ट ने बंद न्यायालय में लेगा और खुला न्यायालय, तो बंद न्यायालय खुला न्यायालय का क्या मतलब है? देखिए नॉर्मली कोर्ट हर समय खुला होता है, खुला का मतलब है कि वहाँ पर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो बैठे रहते हैं, जो उनका रीडर है जिसको आप लोग पेशकार कहते हैं वो बैठे रहते हैं, और एडवोकेट रहते हैं, जो क्लाइंट है वो रहता है, और लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, लोग अपनी डेट नोट करते रहते हैं, गवाही वगैरह होती रहती है, ये तो होता है ना ओपन कोर्ट। ओपन कोर्ट में यही होता है, और जिसका केस आने वाला होता है वो रेडी रहता है। तो जब कभी प्रिसाइडिंग ऑफिसर रीडर यानी कोर्ट और कोर्ट के एम्प्लाई के साथ एडवोकेट और क्लाइंट के साथ अन्य लोग भी कोर्ट में उपस्थित रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, तो उसको बोलते हैं कि खुला न्यायालय, कुछ चीज़ों पर बंद न्यायालय। जैसे अगर कोई रेप की विक्टिम है तो उसका स्टेटमेंट कहाँ लिया जाएगा? ओपन कोर्ट में कि बंद कोर्ट में? चेंबर में सर। बंद कोर्ट में। बंद कोर्ट में। अच्छा, बंद कोर्ट का मतलब क्या है? चेंबर, मजिस्ट्रेट का चेंबर। सर उसी कोर्ट से जुड़े लोग रहेंगे। देखो बंद कोर्ट का मतलब क्या होता है, ये तो सेफ्टी के लिए जजेस क्या करते हैं, विक्टिम का स्टेटमेंट को चेंबर में ले लेते हैं, लेकिन बंद कोर्ट का मतलब जान लो, बंद कोर्ट का मतलब होता है जितने लोग की कोर्ट में इस समय जरूरत है, बस उतने लोग। तो इस समय कोर्ट में किसकी किसकी जरूरत है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर की जरूरत है, जज साहब की, वो रहेंगे, रीडर है वो रहेगा, जो एडवोकेट है दोनों के वो रहेंगे, और इसके अलावा कोई नहीं रहेगा। इसको बोला जाता है बंद न्यायालय। बंद न्यायालय का मतलब नहीं है कि आज कोर्ट बंद है, हाँ ये मत कभी सोचना कि बंद न्यायालय का मतलब आज कोर्ट बंद है, और आप सोचें कि जब कोर्ट बंद है तो घर चलो। बंद न्यायालय का मतलब होता है कि जो सेंसिटिव मैटर होते हैं जिसमें किसी अन्य की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर मान लो रेप वाली लेडीज का स्टेटमेंट ओपन कोर्ट में लिया जाए तब क्या दिक्कत आएगी? बेवजह लोग वहां आ जाएंगे, जिसका मुकदमा से कोई लेना देना है ना वो भी आएगा कि क्या हुआ, किसके साथ हुआ, क्या बोल रही है, ह्यूमन टेंडेंसी है। और ये कहा गया है आईपीसी के सेक्शन 228A, क्या बोला गया उसमें कि जो विक्टिम होगी उसके नाम को भी नहीं बताया जाएगा, डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। तो जब उसका नाम नहीं बताया जाएगा तो उसकी पहचान क्यों बताई जाए? इसीलिए वो कहा जाता है इसको बंद न्यायालय में लिया जाए। तो जजेस क्या करते हैं और उसको कॉन्फिडेंस बना देते हैं, चेंबर में ले लेते हैं, चलो कुछ भी नहीं पता चला, काम खत्म हो गया, इसको बोलते हैं बंद न्यायालय। खुला न्यायालय जैसे रोज खुला रहता है, आप लोग जाते हो देखते हो ना, जज साहब बैठे, कोई डेट ले रहा है, कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है, कोई काज लिस्ट देख रहा है, यानी कि वहाँ वर्किंग चलता रहता है, उसको बोलते हैं खुला न्यायालय। इतनी चीज़ें बोला गया है। ये जो हमें अभी आप लोग को चैप्टर नंबर 24 पढ़ा है, ये क्या है? जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी,
यानी कि गवर्नमेंट आगे के समय में जो जो कानून बनाएगी उसमें डीपीएसपी को ध्यान में रखेगी। ये होता है डीपीएसपी का रोल। उसी प्रकार जो चैप्टर नंबर 24 है सीआरपीसी का, ये कहता है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं जब ट्रायल चलाएंगे, इंक्वायरी करेंगे, तो इन सेक्शन को विशेष ध्यान देंगे। इसी के बेसिस पर ट्रायल चलाएंगे, इससे अलग नहीं चलाएंगे ट्रायल, उनके लिए डायरेक्शन है। ठीक है, सबको समझ में आ गया? इसको अभी क्लास भेज देंगे थोड़ी देर में आप लोग के पास, जब आप लोग पास टाइम रहेगा इसको बैठ के दो बार तीन बार एक एक चीज़ को समझना। और देखो आप लोग एक अलग से रजिस्टर बना लो स्पाइरल का, मोटा तगड़ा, और उसका नाम दे दो फॉर इंटरव्यू। वो रजिस्टर में जो बातें आपको बताई जाए, जैसे अभी हमने ओपन कोर्ट और क्लोज कोर्ट के बारे में बताया, उसको इमीडिएटली लिख डालना। क्योंकि देखो हम आप लोग को बता दें, सबसे बड़ा जो स्टूडेंट का कष्ट होता है वो इंटरव्यू में न सेलेक्ट होना। अरे नहीं निकला, थोड़ा बहुत कष्ट होता है, लेकिन इंटरव्यू से अगर वापस आते हो तो बहुत कष्ट होता है। क्यों ममता जी? जी सर, इंटरव्यू में तो हमको अच्छा नंबर मिला था सर। अच्छा, कितना नंबर पाए आप? 77 सर। अरे वाह, वेरी गुड। देखिए अफरोज को 80 मिला था। चलिए देखिए, उनका तो सिलेक्शन हो गया है। हाँ, अफरोज का हो गया सिलेक्शन, आया तो था, उनका इंटरव्यू भेजा था। देखिए दो लोग हैं अपने इसी क्लास में, अब वो कहाँ गई? निशा रानी, ये इन्होंने भी एपीओ का इंटरव्यू दिया था, ये भी क्लास की थी हमारी, जुड़ी थी। ठीक है, सीआरपीसी में सर सबसे कम है मेंस में, रिटेन में सर। हाँ, तो उसमें आपको नहीं मालूम रहा होगा ना कि खुला न्यायालय बंद न्यायालय, आप सीख लीजिएगा, अब नहीं कम आएगा, अब अच्छा नंबर आएगा। आपको कितना मिला है निशा इंटरव्यू में? सर 60 नंबर आया था। 60 कम है, क्योंकि बिहार में 85 मैक्सिमम दिया है। अब वो जो चारू सक्सेना है जो फोर्थ पोजीशन पाई है वो 85 पाई है, जिसका इंटरव्यू आप लोग को भेजे थे। तो देखो इंटरव्यू से बाहर होना बहुत, उसके लिए क्या करो, एक आप लोग सभी लोग को बोल रहे हैं, एक बना लो आप लोग स्पाइरल मोटी रजिस्टर वगैरह जिसमें भी आपकी मर्जी हो, ये सब बातों को रोज लिखो। अभी तो आपको याद है ना, अभी आपसे कोई पूछेगा ओपन कोर्ट बता लोगे, क्लोज कोर्ट बता लोगे? यस सर। लेकिन 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, निशात आपसे पूछे 24 दिसंबर को दोपहर में 12 बजे आप क्या कर रही थी? सर, नहीं बोले, लिखा हुआ सर, बाद याद रहेगा सर, लिखने को। हम लोग ज्यादा नहीं, 5-6 दिन पुरानी बात भूल जाते हैं। अभी आपसे कोई पूछे ना 28 तारीख को 4 बजे शाम को आप कहाँ थे, या तो आपका सेट प्रोग्राम हो, जैसे कोई कहे आपसे कि 1 तारीख को 8 बजे से 9 बजे शाम को आप कहाँ थे, तो आप बता दो कि हम क्लास में थे, वो सेट है। लेकिन जो चीज सेट नहीं है वो फ्लक्चुएट करता है, पता नहीं हम सो रहे थे, मार्केट गए थे, फ्रेंड से कहीं भी। तो इसी तरह जब इंटरव्यू आएगा 6 महीने बाद आएगा, 8 महीने बाद आएगा, साल भर आएगा, तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे क्या होती है, भूल जाते हैं। और कॉपी बनाए रहोगे, जब आपका इंटरव्यू आएगा अपनी कॉपी को आप रिवाइज कर लेना बस, और चले जाना आराम से, तो देखो आपको कितना अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को एक्स्ट्रा लेबर करना है क्लास खत्म होने के बाद, जो आप प्री के पॉइंट अभी से नोट करते हो उसको नोट करो, और इंटरव्यू की अलग से कॉपी बनाओ, और डेली का डेली लिखते चलो। ठीक है, और किसी कुछ पूछना है? चलिए, ये जो विवाद सौदेबाजी आपने बताई, इसमें 2005 और 6 का कंफ्यूजन क्या है सर? 6 है, 2005 में गवर्नमेंट को रिपोर्ट दे दी गई थी, तो गवर्नमेंट ने जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2006 वाला है उसमें इसको रखा है। ठीक है, कंफ्यूज ना होइए। ओके, चलिए।